दोस्तों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उच्च शिक्षा लेने के लिए आज विभिन्न देशों में जाना पड़ता है, जबकि एक समय था जब भारत स्वयं विश्वगुरु था। मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय जिसका नाम तक्षशिला था, वह भारत में स्थित था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन सब बातों से अवगत कराऊंगा जिनसे आज तक हम अनभिज्ञ थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू पड़ाव फाउंडेशन। मेरा नाम है सागर इंदाने और चलिए आज तक्षशिला के बारे में जानिए। तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसे हम वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रभु श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने 700 वर्ष ईसा पूर्व में की थी। वर्तमान में यह तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे, जिसमें चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया के कुछ छात्र पढ़ते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था, जिसमें वेद वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्तविद्या, विश्वविद्या, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि शिक्षाएं दी जाती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आपको बता दूं कि सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीति तज्ञ, प्रथम अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं से ली थी। शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य यहीं पर शिक्षा देने का कार्य करने लगे। यही उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 500 ईसा पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था और उस वक्त यहाँ के स्नातक मस्तिष्क एवं अंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सरलता से कर लेते थे। अब हम देखेंगे कि तक्षशिला का विध्वंस किस तरह से हुआ। बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि तक्षशिला के विध्वंस में शक, हुन और कुशानों का हाथ है, तो वे पूरी तरह से गलत है। सच मानो तो ऐसा बोलने वाले इतिहासकार तुर्क और अरब के आक्रांताओं की क्रूरता को छुपाना चाहते हैं। शक, हुन और कुशानों ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन यहाँ के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कभी नहीं किया, बल्कि वे यहाँ की संस्कृति में घुल मिलकर बौद्ध या हिंदू हो गए। उल्टा देखा जाए तो कुशानों का ही राजा, जिसका नाम कनिष्क था, उसने बौद्ध धर्म को मध्य एशिया का मुख्य धर्म बना दिया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध, जो कि तत्कालीन समय में पाकिस्तान में आता है, इसे फतह करने के लिए ईस्वी सन 638 से 711 तक 74 वर्षों तक 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इस दौरान उन्होंने हिंदू मंदिरों, बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट कर दिया। माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के अंत में अरब और तुर्क आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय का विध्वंस कर दिया। आज भी तक्षशिला के भग्नावशेष और खंडहर देखकर इस्लामियों ने भारत को नष्ट करने में कोई कमी नहीं रखी, इस बात का ज्ञान होता है। इस तरह भारत की सबसे बड़ी धरोहर को नष्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी रोचक और अनसुलझी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।